मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता हूं, तुलसी हेल्थ केयर से बात कर रहा हूं। बिहेवियर प्रॉब्लम या व्यवहारिक समस्याओं के बारे में बात करूंगा। बिहेवियर प्रॉब्लम्स आमतौर से बचपन में चालू होते हैं, जिन लोगों के माँ बाप उन पर ध्यान नहीं रखते हैं या वो नशे का सेवन करते हैं, उन लोगों में अक्सर देखे जाते हैं। ये बहुत डिसरप्टिव इंट्रूसिव बिहेवियर्स होते हैं। आमतौर से इसमें कुछ अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर्स, कंडक्ट डिसऑर्डर्स, ओसीडी और सब्सटेंस यूज के पेशेंट्स देखे जाते हैं। बिहेवियर डिसऑर्डर्स ब्रेन में कुछ हम लोगों के बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं और मोस्ट प्रॉब्ली ये एक एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स होते हैं। ये आमतौर से पैदाइशी ना हो के बाद में डेवलप होते हैं। बड़े होने में, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स उनको ज़्यादा तकलीफ देती हैं और घर वाले बहुत परेशान होने लगते हैं। बिहेवियर डिसऑर्डर्स में आमतौर से व्यवहारिक समस्याएं काफ़ी प्रोमिनेंटली देखी जाती हैं। गुस्सा करना, डिप्रेस्ड हो जाना, काम पे ध्यान ना देना, नौकरी को लगातार ना चलाना, नशे का सेवन करना, इस तरह की परेशानी आमतौर से देखी जाती है। ये लोग लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हैं और आपस में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम चलती रहती है। बिहेवियर डिसऑर्डर के मैनेज करने के लिए जो मोस्ट कॉमन तरीका है वो साइकोथेरेपी का इस्तेमाल करना है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी और साइकोडायनेमिक बिहेवियर थेरेपी आमतौर से यूज़ होती हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर और डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी शॉर्ट टर्म थेरेपीज हैं जो आमतौर से 20 से 30 सेशंस होते हैं, हफ्ते में 2 सेशंस तक कर सकते हैं और ये बिहेवियर को टारगेट करते हुए की जाती है। जो साइकोएनालिटिकल बिहेवियर थेरेपी है वो लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी है, जिसमें 1 से 2 साल तक का समय लगता है। आमतौर से वीकली सेशंस होते हैं और जिन लोगों को बचपन के ट्रॉमा या कुछ चाइल्डहुड में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई जो परेशानी का कारण बनी है, उनके कारण होने पे उनको डील किया जाता है। सो जिनमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स रही हैं उनके लिए साइकोएनालिटिकल वे ऑफ साइकोथेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव। इसके अलावा डिप्रेशन की दवाइयाँ, बिहेवियर डिसऑर्डर्स के लिए एंटी एंजाइटी या एंटी एंगर या एंटी साइकोटिक्स, मूड स्टेबलाइजर, इस तरह की दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये दवाइयाँ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों तरीके से दी जाती हैं और इसके अलावा ग्रुप थेरेपी और फैमिली को भी एम्पावर करते हैं कि जिससे कि वो बेटर कर सके। कुछ केसेस में RTMS जैसे ट्रीटमेंट भी यूज़ किए जा रहे हैं, बट उनकी अभी रिस्पॉन्स और रिलायबिलिटी बहुत प्रूवन नहीं है और आमतौर से हम उनका इस्तेमाल नहीं करते। और अगर इस तरह की प्रॉब्लम के बारे में और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।